नमस्ते साहब, मेरा नाम आनंद है। आज दोपहर में लक्ष्मगुड़ा विलेज में तो हमारा भाई का बच्ची रहती वहाँ पे, उन्होंने खुदकुशी कर लिया बोल के बोल रहे, लेकिन वो खुदकुशी नहीं है, उसको मार के चुन्नी से फांसी लगा के मार दिया गया। और दूसरा कोई भाई है नहीं है, उसका शौहर ही मार के उनको लटका दिया है। उसके बाद तो हमारे भाई के लड़के ने जाके वहाँ पूछा, पहले फ़ोन करा था उसने, भाई के लड़के ने फ़ोन करा था, बच्ची से फ़ोन करोगे तो बच्ची बोली भैया तुम्हारा जीजा है घर में, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बाद में फ़ोन करती हूँ बोल के बोले। उसके बाद 12 बजे जब उनको डाउट आ गया तो हमारी बहन कहीं को ऐसा बोल रही बोल के, तो उन्होंने जाके देखा तो ये हादसा हुआ। उन्होंने क्या करा, एक साल 20 दिन हो गए उनको शादी हो के, एक साल 20 दिन के अंदर 3 महीने के बाद शादी हो के, 3 महीने के बाद उनका जायद के लिए उन लोगों ने, उनका बहन और उनका माँ, हमारे दामाद का बहन और माँ ने उनको दबाव डाल दिया, उनको बहुत कुछ दबाव डाल दिया जायज में, इतना रोकड़ा होना कब से चल रहा है ये शादी हो के 2021 में जनवरी 25 को शादी हुआ, तो फरवरी मार्च अप्रैल तक ठीक थे, उसके बाद अप्रैल के बाद में चालू हो गए उनका नाटक। पुलिस कंप्लेंट नहीं करे तो गांव में तो बड़े लोगों से बुला के बिठा के बात करे। उसके बाद में थोड़ा ठंडा हुआ माहौल, उसके बाद 1 महीने 10-15 दिन के बाद फिर चालू हो गए, वही कारण मेरे को बुलेट होना जायद में, मेरे को नहीं दिया, मेरे को घर नहीं है, घर दो बोल के, तो उन्होंने हमारे भैया ने क्या करा, घर दे दिया, घर उनके नाम पर रख दिए, घर उनके हमारे बच्चे के नाम पर घर दे दिया लक्ष्मगुड़ा में, उसी घर में यह हादसा हुआ। ये लोग कहाँ के रहने वाले? सब एक ही गांव के, हमारे गांव के हम लोग, यहाँ हम लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पे है के जी रहे। तो जो सुसाइड करे या उनके घर में करे? उनके घर में, उनके घर में सुसाइड करे। अच्छा। शोहर के घर में सुसाइड करे। आप लोग कैसा मालूम हुआ ये? तो हमारे भाई का बेटा ने, बड़ा वाला भाई बेटा 11 बजे फोन करा, तो कैसा है क्या है बोल के उनसे बातचीत करने के लिए, बात करोगे तो तुम्हारा जीजा है घर में, नहीं बात कर सकती मैं ज्यादा, तुम बाद में बात करती हूँ बोल के बोले। तो उसके बाद तो हमारे बेटे को डाउट आ गया, कई को ऐसा बात कर रहे बोल के, डाउट से उन्हें गया 12:30 बजे के अंदर, तो ये ऐसा हुआ।